सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं एबिस, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको आपने 4 स्टार्स बिल्ड करने चाहिए। क्योंकि ये वाला एबिस मैं मोस्टली 4 स्टार से क्लियर करने वाला हूँ। एक 5 स्टार होगा क्यों, वो भी बताऊंगा कि क्यों वो 5 स्टार में यूज करने वाला हूँ टीम में, एंड क्यों बस वही 5 स्टार में यूज कर सकता हूँ उस टीम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो मेरा पहला टीम होने वाला है वो है एकदम ओल्ड टीम, आज की नहीं सदियों पुरानी टीम है ये, नेशनल टीम बोल सकते हो, सुक्रोज नेशनल या नेशनल जो भी बोलो। ये वाला टीम सुक्रोज शिंगचू बेनेट शांगली, एक एक करके मैं बिल्ड देगा था। तो वेट ओके, तो मेरे सुक्रोज पे मैंने लेस EM रखा है, हाई ER रखा है, क्योंकि इसका एनर्जी का बहुत इशू होता है एंड मुझे इसका बर्स्ट चाहिए। तो मैंने ER का वेपन दिया इसे एंड ER का सैड्स, ठीक है, बाकी EM है। एंड आपको मोस्टली EM ही ले जाना होता है इस पे, बट वही मैंने जैसे बताया कि एनर्जी चाहिए मुझे, तो एनर्जी का सैड्स में यूज कर रहा हूँ इस पे। ऑफकोर्स ये C6 है एंड टैलेंट है 6 12 12, ठीक है सुक्रोज। नेक्स्ट जो कैरेक्टर यूज करने वाला वो है शिंगचू। अब शिंगचू मेरा है, ये अटैक ये है मेरा रेशियो, कुछ बहुत ही अच्छा रेशियो मेरे शिंगचू पे है नहीं। R5 सैक्रिफिशियल है, 4 पीस एम्बलम, डबल क्राउन है और शिंगचू भी C6 है। बेनेट यूज करने वाला हूं मैं, मेरे बेनेट पे है दी एली फ्लैश, 4 पीस नोबलेस, C5 है ये, C6 मैंने नहीं किया है कैरेक्टर की वजह से, बट अगर आपके पास C6 बेनेट है तो आपके लिए वो स्लाइटली बेटर होगा क्योंकि आपकी शांगलिंग ज्यादा डैमेज डील करेगी। एंड टैलेंट है बर्स्ट क्राउन, स्किल बस है 12, मत करना। मेरा हीलर बेनेट है तो स्किल 12 करने की नीड थी नहीं, एंड आप भी मत करना। एंड लास्ट जो कैरेक्टर मैं यूज करने वाला हूँ वो है शांगलिंग, मतलब पहले ही बता दिया था बट शांगलिंग। ओके, तो शांगलिंग का अटैक थोड़ा सा लो है, EM 213, ये है रेशियो विथ ह्यूज ER, ER का इशू आता है शांगलिंग को, तो अच्छा खासा ER दे रखा है मैंने। R5 कैच के साथ है, 4 पीस एम्बलम, कॉन्स्टेलेशन 6 एंड इसका भी बर्स्ट है क्राउन, ठीक है। तो शांगलिंग का हो गया। एंड सेकेंड जो टीम में यूज करने वाला वो फर्स्ट पे है बारबरा। बारबरा कोई अभी इसमें यूज करता नहीं है लेकिन मैं करने वाला हूँ। बारबरा ये पूरा हीलर बारबरा है, ठीक है, TTDS के साथ 4 पीस क्लैम, ये C6 है एंड टैलेंट्स ये है। बारबरा मैं इस टीम में यूज करने वाला हूँ। सेकेंड जो कैरेक्टर होने वाली है वो है कुकी शिनोबू, क्योंकि मैं यहाँ पे हाइपर ब्लूम टीम यूज करने वाला हूँ विद बारबरा। मेरे कुकी पे 952 EM है, ये आयरन स्टिंग है, इस पे 4 पीस फ्लावर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट C2 है कुकी एंड स्किल लेवल 9। बर्स्ट लेवल अप मत करना, गलती से भी बर्स्ट मैंने कर रखा है बट आप मत करना। थर्ड कैरेक्टर है दी ओनली 5 स्टार नहीदा। अब नहीदा मैं लेके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नहीदा का डेंड्रो एप्लीकेशन, मतलब एनिमी कहीं भी चला जाए नहीदा का डेंड्रो एप्लीकेशन फॉलो करता रहेगा एनिमी को, तो ये दिक्कत नहीं आएगा। एंड एनिमी अभी इसमें कुछ एनिमीज है जो कि इधर से उधर जाते रहते हैं तो दिक्कत होता है, बाकी 4 स्टार के साथ, मतलब 4 स्टार रिप्लेसमेंट में ये लेके जा सकता हूँ याओ या फिर 5 स्टार ट्रैवलर लेके जा सकता हूँ, डेंड्रो ट्रैवलर, लेकिन उसमें दिक्कत आएगा। बट नहीदा का डेंड्रो एप्लीकेशन इतना सही है तो नहीदा लेके जा रहा हूँ। नहीदा का बिल्ड मैं दिखा देता हूँ, EM कम है, ये मेरा ऑफ फील्ड DPS नहीदा है, ऑन फील्ड नहीं, ऑफ फील्ड DPS नहीदा, ठीक है। डेंड्रो डैमेज गॉबलेट के साथ 67203 विट सिथ वेपन है और ये 4 पीस डीप पुट, ये और ये भी C0 है एंड टैलेंट से डबल क्राउन, ठीक है। एंड लास्ट कैरेक्टर जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे याओ और भी ज्यादा डेंड्रो एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ऑफ फील्ड डेंड्रो एप्लीकेशन अगर बार बार के नॉर्मल अटैक से उतना सही नहीं हो पता है डेंड्रो का, नहीदा के डेंड्रो ट्रिगर्स, तो ये ऑफ फील्ड रहेगी, ये भी रहेगी एंड नहीदा का स्किल भी टाइम टू टाइम डेंड्रो अप्लाई करता रहेगा, तो डेंड्रो एप्लीकेशन इनफ हो जाएगा अगर नहीदा ऑफ फील्ड भी रहेगी इस टीम में। तो इसीलिए नहीदा लेके जा, नहीदा बोलो सॉरी, याओ लेके जा रहा हूँ। मेरे याओ पे 40 के HP, 158 ER एंड हीलिंग बोनस है स्लाइट थोड़ा सा। ये वेपन है, ये इवेंट वेपन, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेवोनियस लैंस भी दे सकते हो याव को, उससे ER का इश्यू इसका खत्म हो जाएगा। सैंड से HP परसेंटेज, गॉबलेट है HP परसेंटेज और सर्कलेट है मेरा हीलिंग बोनस का। याव है C2 एंड टैलेंट से 96, ठीक है। तो टीम बता दिया, बिल्ड्स बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं अब इस। ओके, तो पहला वाला कार्ड ले लेते हैं एंड लेट्स गो। यार ये वाला बच गया, इसने वो ब्लेड
काउंटर वाला अटैक कर दिया था। कोई ना, ये खत्म। पायरस वाले यहाँ पे नहीं हुआ, बट व्हाटएवर, क्लियर तो हो ही जाना है। ठीक है, इसने शील्ड लगा लिया, अच्छा काम किया है। शील्ड लगा लिया था उसने, बट मैंने सोचा एनर्जी फार्म करूंगा, लेकिन बहुत फास्ट शील्ड टूट गया उसका, सो इट इज व्हाट इट इज। अब सेकंड फेज में पहले तो ये एनिमी है, ये करेंगे। अरे ये गलती से, ओके। अब बस अटैक, नॉर्मल अटैक स्पैम करना है बार बार के साथ, एंड इसे खत्म करना है। Was foretold. The Temple of Wisdom. You play. You're up. I see everything. पहले तो इसके पेट को उड़ाते हैं, ठीक है? इससे इसका पेट डाउन हो जाएगा, तो फिर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, ये गायब होंगे। कोई ना, इसका पेट अब गया और अब ये भी गई। चलो ये खत्म। ये रहा ये बॉस। अब इस बॉस में नहीदा को ऑनफील्ड रखना है। बारबरा का अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है। और इजीली, एकदम इजीली ये वाला फ्लोर क्लियर हो गया, तो चलते अगले फ्लोर पे। ओके, तो इस फ्लोर के लिए हम लोग ले लेते हैं ये वाला कार्ड, एंड सबसे पहले हम लोग इस वाले पे ये अटैक करेंगे। एक सेकंड, इसे नॉक करना है, ठीक है? हवा में नहीं जा, ताकि ना जाने पाए। ओके, नॉक हो गया। अब ये कर लो और ये खत्म। अब बस यहाँ पे आओ, जेट फ्लूम को मारो। शिंचू ने क्रिट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बट क्या कर सकते हैं। बहुत इजीली क्लियर हो गया 4 स्टार से। नेक्स्ट चैम्बर, मतलब इसी का दूसरा चैम्बर यहाँ पे ये है। ये थोड़ा इरिटेटिंग है ये, क्योंकि कई बार टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन दिक्कत वाली बात ही नहीं है। खत्म ये। अब यहाँ पे कैंकी भाई साहब स्पॉन होंगे। नहीदा का बर्स्ट, इसका स्किल, बारबरा का स्किल। अब बस यहाँ पे स्पैम। अब
मैंने थोड़ा जल्दी यहाँ पे बर्श मार दिया. अरे नहीं, ओके ठीक है, मैंने स्किल यूज नहीं किया. अगर किसी भी कैरेक्टर का एचपी लो हो जाए तो यहाँ पे बारबरा का बर्श मार सकते हो, उससे हील हो जाएंगे. बारबरा हाइपर ब्लूम का ये एक फायदा है. एंड हो गया क्लियर. काफी अच्छा खासा टाइम भी था, 10 सेकेंड्स प्लस आई थिंक बाकी था. इजीली 3 स्टार हो गया. अब चलते हैं फाइनल फ्लोर पे. ओके, तो ये वाले फ्लोर पे एनर्जी का थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि मैं एनर्जी फार्म करना भूल गया था. सो लेट्स फार्म एनर्जी. या फिर शिंगचू अच्छा खासा वेप मार सकता था, लेकिन एनर्जी के लिए मैं स्किल को मुझे पहले यूज करना पड़ गया. बट कोई ना, चलो. ओके, अब ये स्पिन करेगा. यहाँ से उठेगा फिर स्पिन करेगा. वही चीज मुझे सबसे इरिटेटिंग लगती है. अच्छा चलो, स्पिन नहीं किया इस बार शायद, या फिर शायद अब करेगा. बोला था ना, यही चीज मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है इस बॉस का. ये स्पिन करता रहता है, वक्त बर्बाद करता है बस. भाई थर्ड स्पिन ये नॉर्मली नहीं करता, बट आई डोंट नो व्हाई ये थर्ड स्पिन भी कर रहा है. नॉर्मली 2 स्पिन करता है, बट थर्ड स्पिन पता नहीं कैसे कर लिया. कई बार होता है रैंडम अटैक्स होगा कुछ, बट नॉर्मली ये 2 ही स्पिन करता है, फिर कुछ और अटैक करता है. इस वाले बॉस का एचपी ना बहुत बड़ा है कंपेयर टू पहले. लास्ट अब इसमें जितना एचपी था इसका, इससे उसके कंपैरिजन में अभी एचपी बहुत ज्यादा है. ओके, ये वाला अच्छा है. इसके बस ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ, और ये बॉस की तरफ भाग जाएगा. ठीक है, बॉस जिस तरफ है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके खड़े हो जाओ एंड ये थोड़ा पीछे आ जाएगा एंड दोनों एक जगह पे आराम से हो जाएंगे. अब बस ये डाउन हो चुका है, अब बस यहाँ पे स्पैम करो सारे अटैक्स अपने ताकि यहाँ पे कोर्स क्रिएट हो एंड हाइपर ब्लूम्स प्रॉक होते रहे. दैट्स इट, और ये खत्म एकदम इजीली. 4 स्टार ओनली लेके गया था बस नहीदा, क्योंकि मैंने बताया बिन नहीदा के डेंड्रो एप्लीकेशन उतना सही नहीं हो पाएगा. एंड बहुत इजीली ऐसे आप भी ये वाला एबिस क्लियर कर सकते हो. ये दोनों टीम हर एक एबिस में इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, ये वाला एबिस कंपेटिवली काफी वीक है, तो बहुत इजीली ये वाले टीम से हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाता है. बस मतलब इतना ज्यादा वीक कैरेक्टर्स लेके नहीं, जैसे बारबरा की जगह यहाँ पे येलान वगैरह लाता मैं तो बहुत इजी पड़ता. एंड कुछ एबिस में बारबरा की जगह येलान आएगी तो फिर ये वाला सेम इतना ही मतलब अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, जिस तरह बारबरा से हुआ येलान के साथ हार्ड एबिस में भी इसी तरह क्लियर हो जाएगा हाइपर ब्लू में. एंड दूसरे वाले टीम में बस सुक्रोस के जगह राइडन या फिर कोई और मेन डीपीएस एंड वो भी क्लियर हो ही जाता है. तो 4 स्टार्स तो अपने डेफिनेटली बिल्ड करना, क्योंकि 4 स्टार्स से बहुत फर्क पड़ता है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जाओ अपने 4 स्टार्स बिल्ड कर लो अगर आपने नहीं किया है.
एंड हाँ एबिस बहुत इजी पड़ेगा फोर स्टार्स से, फोर स्टार्स बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी ऑल, बाय बाय।